तो है गाइस व्हाट्सअप, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन। सो गाइस आज का जो व्लॉग है वो कुछ ऐसा होने जा रहा है कि हम अपनी बातें कम और जिस मकसद के लिए व्लॉग बना रहे हैं उसकी बात करें तो ज्यादा बेटर है। तो आज का जो व्लॉग है वो ऐसा होने जा रहा है कि मेरी एक स्कूल फ्रेंड है जिनका नाम फरिया है, उन्होंने माशाल्लाह से अपना एक रेस्टोरेंट ओपन किया है जिसकी आज है ओपनिंग। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है एज अ ब्लॉगर, मुझे उन्होंने इनवाइट किया है अपने इस रेस्टोरेंट के अंदर, आज ओपनिंग है उसकी। तो मैं वहां जाऊंगा, उनके रेस्टोरेंट ओपनिंग की ब्लॉग शूट करूंगा। उसका कॉन्टेक्ट नंबर और उसका नाम, उसका एड्रेस, सारी चीजें मैं मैंशन कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और अपना वैसे भी आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं तो ब्लॉग में भी आपको इजीली पता चल जाएगा। तो बस आप बिना लंबी करे, बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से जाते हैं हम रेडी और उसके बाद फिर चलते हैं शायद अल्लाह, फिर वहीं चल के डायरेक्ट आपसे मिलेंगे। वहां पे छोटा सा Q&A सेशन भी रखेंगे जो कि होगा हमारा फरिया के साथ। और फरिया आपके लिए मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। आपने जो भी बिजनेस स्टार्ट किया है उसके बारे में मैं आ रहा हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन आपसे वहीं चल के लेता हूँ। तो जल्दी से मैं रेडी हो जाऊँ। ओके व्यूअर्स, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। सो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि मैं रेडी हो चुका हूं। और यार ये जो मैं सर पे पहना हुआ है बैंड, ये महज इसलिए पहना हुआ है कि यार अब मैं जाऊंगा बाइक पे तो बाल बाल खराब हो जाते हैं, तो इससे हमें एक ये बेनिफिट मिल जाता है कि यार बाल जैसे बने हुए हैं ये एज इट इज वैसे ही रहते हैं। बाकी क्योंकि अभी जो मैंने अपना लास्ट व्लॉग डाला था उसका मैच का, उसके अंदर मुझसे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए कि यार ये सर पे क्या पहन लिया, क्यों बांध लिया, कि सर दर्द है, कुछ भी बहुत सारे हेटर्स ने बातें उड़ाई। तो बाकी ये जो चलता है यार उन्हें जलने दो, जो हेट करता है उन्हें हेट करने दो। तो बाकी हमें उनसे कोई गर्ज नहीं है, जो हमसे प्यार करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, उनके लिए सिर्फ मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। और उनसे मेरा ये है कि यार नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर लव। आप लोग इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको भी कामयाब करे, अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करे, आपको आपके हर मकसद में कामयाब करे, मुझे मेरे हर मकसद में कामयाबी दे, तरक्की दे, इज्जत दे, दौलत दे, शोहरत दे, आमीन। तो बाकी ये अब बस जल्दी से चलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया यार, और 9 बज चुके हैं, मुझे वहां पे 9 बजे होना था, लेकिन अब बस जल्दी से चलते हैं और फिर वहीं चल के आप लोगों से मिलेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, डायरेक्ट हम वहीं पे चल के आपसे मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यार फरिया ने माशाल्लाह से रेस्टोरेंट खोला है, और वाकई अभी मैं यहाँ पर आया हूँ तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको आपको बैनर वगैरह दिखा दिए। तो बाकी सीन ये है कि अभी अंदर चलते हैं और बाकी आप लोगों को सब पूरा इंट्रो दूंगा मैं आकर कि यार क्या है, किस तरीके से है, क्या नहीं है, ठीक है ना। तो वेट फॉर इट। सबको मैंने अंदर का थोड़ा बहुत जो है दिखा दिया कि भाई किस टाइप का बना हुआ है और कैसा है कैसा है नहीं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। लेकिन आप लोगों ने शायद एक बात नोट करी होगी यार कि जो मेन्यू जो मैंने आपको ज्यादा जूम कर दिखाया है उसपे अभी प्राइजेस नहीं है। तो क्योंकि वो अभी इसलिए नहीं है क्योंकि आज ही तो इसकी ओपनिंग हुई है, और सेकेंड ये कि डील्स वगैरह चल रही है, ऑफर्स चल रही है, तो उसी लिए मैं पर्सनली आपको मेन्यू कार्ड इसमें शो करवा दूंगा। तो जो भी यहाँ पर आएगा उसके लिए बहुत जबरदस्त जबरदस्त ऑफर्स है, तो जल्द से जल्द आके ऑफर्स को अवेल कीजिए। बाकी अब जो यहाँ के ऑनर है फरिया इम्तियाज, मैं उनसे आपको मिलवाना चाहूंगा, तो बस वेट फॉर इट। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको मैंने भी बताया था कि भाई फरिया इम्तियाज मेरे साथ आएंगी और यहाँ पे थोड़ा सा इंटरव्यू देंगी, मगर फरिया अपने जो क्लाइंट्स वगैरह आए हुए उनके साथ बिजी है। माशाल्लाह से ओपनिंग हुई है तो यार उसके हवाले से जो है और भी इनके कजन वगैरह भी आ रहे हैं, तो हमारे साथ उन्हीं के कजन तला है, हम इनसे पूछते हैं, इनसे सारा रिव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम तला भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक, मैं ठीक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाइए कि ये जो रेस्टोरेंट माशाल्लाह ओपनिंग करी है ये क्या सोच के मतलब और किस तरीके से ये सब हुआ माशाल्लाह अचानक, वो बताइए भाई। हमेशा से मेरे भाई और ना जो फरिया भाजी आपने बात करी उनके भाई, इन लोगों ने ना हमेशा से प्लान बनाया था, ये लोग पहले जॉब करते थे, इनका हमेशा से माइंड था कि बिजनेस ही करना है, तो इस तरीके से भी बिजनेस की शुरुआत करी। हमने बोला कुछ मीठे से शुरुआत करते हैं, इससे थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो चलो दैट्स ग्रेट यार कि मीठे से शुरुआत, तो मीठे से शुरुआत होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही बोलिए। तो बिजनेस माइंड इंसान का जो होता है ना, देखो बिजनेस करने वाला जो बंदा होता है
उसका एक ये होता है यार, अगर वो मेहनत कर रहे हैं ना तो मेहनत उसकी खाली नहीं जाती, तो आप कारोबार में बरकत भी होती है बिल्कुल। बाकी ये है मेरी तो दुआ है भाई कि मेरी बहन फरिया और ये उनके कजन, इन लोगों ने पूरी फैमिली ने एक तरीके से मिलके खोला है, ऐसे ही जी बिल्कुल हम दोनों मिलके सही है, तो फैमिली ने पूरा मिलके खोला है, तो अल्लाह ताला इन लोगों को और कामयाबी दे। और बाकी ये है कि भाई मैं तो अप्रिशिएट करूंगा माशाल्लाह भाई को और अपनी बहन फरिया को कि लोगों ने माशाल्लाह स्टेप आगे बढ़ा लिया है एक कदम कामयाबी की तरफ, तो अल्लाह ताला इनको कामयाबी मजीद और दे और बुरी नजर से बचाए और इनको अपनी जबान में रखे। तो भाई बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आपका नया रेस्टोरेंट खैर मुबारक, आपके काम में बरकत दे, आमीन आमीन। तो बाकी यार हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा यहाँ का जो वो है आपका एड्रेस वो समझा देता हूँ। ये सिंपल जो आप आयशा मंजर वाले रोड से आ रहे होंगे ना, तो सबसे पहले एक धमतल आता है, धमतल वाली गली में आपको नहीं मुड़ना, उससे एक और आगे आए कैफे भाईजान है, बस उसकी गली में आएंगे, कैफे भाईजान की तीसरी चौथी दुकान हमारी है आयशा मंजर से, बस सिंपल धमतल, धमतल के बाद कैफे भाईजान, उस गली में हमारी है। सही है, तो तला भाई ने आपको पूरा एड्रेस समझा दिया है, और अगर और बाकी गूगल मैप में ना, सॉरी मैंने आपकी बात कर दी, वो गूगल मैप में ना आप लोकेशन भी डाल देगा, लोकेशन से भी सीधा आ सकते हैं हम, लोकेशन भी डालिएगा यार, बट बहुत इजी है, आप दमतल पे आएंगे, दमतल के बाद पहली गली छोड़ के जो दूसरी गली है उसके अंदर इनकी शुरुआत में ही सीधे हाथ पे पड़ेगा, तो दूसरी तीसरी शॉप है, ठीक है। तो बस आप लोग यहाँ पे जरूर विजिट करिएगा। अच्छा, और सबसे बड़ी मेन बात ये कि कोई ऑफर वगैरह चल रही है आपके यहाँ पर, तो उस बारे में ये बता दें। अभी हमने अगले 10 दिन तक 25% ऑफ करा हुआ है, तो मतलब कैसे हमारा नॉर्मल स्कूप जो है वो 80 रुपए का सिंगल स्कूप है, लेकिन अभी 25% हर चीज में ऑफ है, तो वो 60 रुपए का हो गया। बाकी हमने पेन आइसक्रीम इंट्रोड्यूस करी है जिसमें हम लोग 4 रोल दे रहे हैं अभी फिलहाल 200 रुपए के, लेकिन 25% ऑफ करने के बाद वो 170 कुछ बन रहे हैं। तला भाई आपकी बात कट रही है, एक्चुअली हमारे जो व्यूवर्स है ना इनको पेन आइसक्रीम वगैरह शायद पता नहीं है बिल्कुल, तो आप उसको ऐसे कह सकते हैं जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कटाकट आइसक्रीम का, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कटाकट आइसक्रीम जो है वो यहाँ पे भी अवेलेबल है, उसके ऊपर क्या डिस्काउंट है ये बताइए। उसके ऊपर भी हमने हर चीज के ऊपर हमने 25% ऑफ रखा हुआ है, जिसके दो रोल कटाकट आइसक्रीम की जो है क्या प्राइसेस है, दो रोल वाले जो है वो अभी 150 रुपए के, लेकिन अभी वो डिस्काउंट के बाद 120 का हो गया, और जो 4 रोल है वो 200 रुपए के, डिस्काउंट के बाद 170 कुछ का हो गया है। चले यार माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, बाकी आप लोग यहाँ पर आइए और आके विजिट कीजिए, और मैं मेन्यू कार्ड आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स ये हमारे यहाँ पे माशाल्लाह से कस्टमर आए, अब इनसे हम पूछते हैं कि इस रेस्टोरेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, बात ये कि अच्छा एडिशन है इलाके के हिसाब से, फूड स्ट्रीट है, लोगों की रिक्वायरमेंट है, आइसक्रीम वगैरह जो है वैसे भी लोग पसंद करते हैं गर्मी और सर्दी में, तो एक अच्छा अच्छा इमेज इलाके का बनेगा कि एक अच्छी आइसक्रीम की दुकान खुली है, लोग आए यहाँ पर इंजॉय करें। हम आए, मुझे यहाँ पे मैंगो आइसक्रीम इनकी बहुत अच्छी लग रही है, मैंगो आइसक्रीम बहुत अच्छी है, ऑरेंज फ्लेवर है, तो सब अच्छे हैं, लेकिन बात ये है कि मुझे पसंद है मैंगो, इस लिहाज से मुझे मैंगो जो है वो ज़्यादा। तो अब ये हैं हमारे साथ फरिया के बाबा, अब थोड़ा सा रिव्यू हम इनसे भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक। ये है कि इस इलाके में पहली बार मैंने यहाँ पर नज़दीक में खोला है इस आइसक्रीम पार्लर को शुगर फ्रेश के नाम से, और कोशिश है हमारी कि ये रीजनेबल प्राइस पर एक अच्छी क्वालिटी की आइसक्रीम मुख्तलिफ फ्लेवर के साथ अवेलेबल हो, लोगों का रश ज़्यादा से लगे, अहले महल्ला और जो लोग सुन रहे हैं उनको दावत दी जाती है कि वो आएँ और यहाँ इसको ट्राई करें, देखें और अपने रिव्यू भी साथ में दें, कोई उसमें कोताही है तो वो भी बताएं कि इसमें और क्या बेहतरी लानी चाहिए। बाकी हमारी कोशिश है कि हम बेहतर से बेहतर और सबसे सस्ता आपको प्रोवाइड करें, बाकी अल्लाह। इन्हीं के साथ साथ अभी आ गई फरिया की मदर, थोड़ा सा रिव्यू इनसे भी चाहिए। आंटी पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आपने इतना अच्छा ये सब खोल लिया, इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू अपने लिए। बस बेटा, बस हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक बहुत तरक्की दे, बच्चों की इतनी मेहनत है और माशाल्लाह से बच्चे खूब मेहनत भी कर रहे हैं माशाल्लाह से, और अच्छा एनवायरनमेंट भी अच्छा है बहुत ज़्यादा, और रिजनेबल प्राइस है, तो बस हमारी सबकी यही दुआ है कि बहुत अच्छा चले और ये तरक्की हो बच्चों की बहुत ज़्यादा, ये लोग अभी एक शुरू किया है इंशाल्लाह और ब्रांच बढ़ती रहे इन लोगों की, तो बस यही है, बाकी अल्लाह का शुक्र है। और ये फरिया की खाला, बच्चों ने बहुत मेहनत किया है, इंशाल्लाह इसकी मेहनत का नतीजा जरूर मिलनी चाहिए, मेरी दुआ है अल्लाह पाक तरक्की दे, एक नहीं 4-5 खुले बच्चों की मेहनत इसमें रायगंज, और माशाल्लाह हमारे मोहल्ले में ये बहुत अच्छा शुगर
ये बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट आप खा के देखिए, बहुत माशाल्लाह से बहुत टेस्टी है। और बिल्कुल डिस्काउंट रखा है इन्होंने बच्चों ने, वैसे तो माशाल्लाह बच्चों की आगे मेहनत है, इंशाल्लाह देखी जाएगी। हाँ बिल्कुल। सो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मेरी फ्रेंड फरिया ने खोला है, तो वो ये है फरिया, तो बाकी हम इनसे ले तो लेना भूल ही गए, सबसे ले लिया इनसे नहीं लिया, तो अब बारी है इनकी। फरिया चलो अपने बारे में सब बताओ, इस रेस्टोरेंट के बारे में सब बताओ। ये लो मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैंने इस रेस्टोरेंट खोला है शुगर रश्मि नाम से, और ये जो है हमारा आइसक्रीम एक ऐसा आइसक्रीम पार्लर है, और यहाँ पर बहुत सारी डील्स हैं और जो प्राइजेज हैं वो बहुत रिजनेबल प्राइजेज हैं, और जो है आप लोग भी आइए और इन्जॉय करिए, और जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारा ये बहुत छोटा सा बिजनेस है, और इंशाल्लाह ये आगे इंशाल्लाह तरक्की करते करते और आगे बढ़ता जाएगा। और ये बहाजुर रहमान के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, इनके यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, से सारे जो हैं इनको रिव्यूज़ और व्यूज़ दीजिएगा, ताकि इनका चैनल अच्छे से अच्छा आगे बढ़ता जाए। और मजे की बात ये है कि यार जो शेक लवर थे तो वो भी यहाँ पर आके और शेक को एंजॉय कर सकते हैं, बट शेक अभी नहीं आया, शेक आएगा कुछ दिनों में, तो बाकी जो ऑफर चल रही है वो आके अवेल कीजिए। फाइनली ये था हमारा आज का व्लॉग, तो बाकी ये है, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको व्लॉग पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप समेत और बाकी लोग भी यहाँ पे आके इन ऑफर्स को अवेल कर सकें और मज़े मज़े की आइसक्रीम्स इंजॉय कर सकें। अभी फरिया ने मेरे लिए एक टकट आइसक्रीम ऑर्डर कर दी थी, अब वो मैंने खाई है, तो माशाल्लाह इतनी कोई ज़बरदस्त और चॉकलेट फ्लेवर में, चॉकलेट तो आपको पता है यार, चॉकलेट लवर तो हम पहले से हैं, तो बाकी जो इन्होंने चॉकलेट कटाकट आइसक्रीम आप लोग से पेन आइसक्रीम कहते हैं, बाकी ये है कि जो कटाकट आइसक्रीम हमें खिलाई है तो इतनी कोई ज़बरदस्त आइसक्रीम है, इतनी कोई ज़बरदस्त कि ना सवाल पैदा होता है ना जवाब पैदा होता है। तो बाकी ये कि इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।